दुनिया में सबसे खूबसूरत पक्षी कौन सा है? इसका जवाब तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे पक्षी भी हैं जिनमें असाधारण विशेषताएं होती हैं, जो उन्हें दूसरे पक्षियों से बिल्कुल अलग बनाती हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे पक्षियों के बारे में जो इतने खूबसूरत होते हैं कि आप उन्हें अपने जीवन में एक बार जरूर देखना चाहेंगे। रेड पीकॉक, ये एक दुर्लभ मोर है। इसकी गर्दन का नीचे का हिस्सा लाल रंग का होता है, जबकि इसकी पीठ पर्पल कलर की होती है। इनके पंखों का रंग लाल और हरा होता है। अपने रंग बिरंगे शरीर के साथ ये बहुत ही आकर्षक लगते हैं, मानो ये किसी और ही दुनिया से आए हों। ऐसा मोर देखना वाकई नसीब की बात है। लेडी एमर्स्ट फेजेंट, ये पहाड़ी क्षेत्रों का एक आकर्षक पक्षी है। ये काफी शांत रहते हैं। ये आमतौर पर या तो अकेले रहते हैं या फिर जोड़े में रहते हैं। मादा की तुलना में नर ज्यादा रंगीन होते हैं। मादा की पूंछ नर से काफी छोटी होती है और नर मादा से ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक लगते हैं। ये एक सर्वाहारी जीव है। ये अक्सर बांस वाले इलाकों में पाए जाते हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक एक लेडी एमर्स्ट फेजेंट 19 साल तक जीवित रहा था, पर इनकी औसतन उम्र 6 से 10 साल के बीच होती है। बोहिमिया वैक्सविंग, ये एक सॉन्ग बर्ड है। ये ज्यादा रंगीन तो नहीं होता, पर बहुत ही सुंदर लगता है। इसका भूरा रंग, पंखों के किनारे सफेद और पीला रंग और सिर पर पंख बहुत ही आकर्षक लगते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया के जंगलों में रहते हैं। ये अपनी हाई पिच के लिए जाने जाते हैं। ज्यादातर ये कीड़े और जामुन खाना पसंद करते हैं। विल्सन्स बर्ड ऑफ पैराडाइज, ये सबसे अजीब पक्षियों में से एक है, फिर भी ये बहुत खूबसूरत होता है। ये इंडोनेशिया के घने जंगलों में पाए जाते हैं। इनका साइंटिफिक नेम रेस्पब्लिका है, जो कि रिपब्लिक शब्द से लिया गया है। नेपोलियन बोनापार्टे के भतीजे चार्ल्स लूसियन बोनापार्टे ने इसे ये नाम दिया था। असल में ये नाम इन्होंने गणतंत्र का सम्मान करने के लिए चुना था, क्योंकि वे राजघराने को प्राथमिकता देना पसंद नहीं करते थे। ये एक रंगीन पक्षी है। इसके सिर के मुकुट पर नीली त्वचा इतनी चमकीली होती है कि रात को भी साफ साफ दिखाई देती है। वाइट ब्लू पीकॉक, सफेद और नीले रंग के कॉम्बिनेशन के साथ ये मोर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इनकी गर्दन सफेद और नीले रंग की होती है, वहीं इनके पंखों का रंग सफेद और हरा होता है। ऐसा मोर आपने शायद ही पहले कभी देखा हो। आप इसे इंडियन ब्लू पीकॉक और व्हाइट पीकॉक का कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। स्कारलेट मकाओ, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत तोते की प्रजाति है। ये सेंट्रल और साउथ अमेरिका के रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ये अपने आकर्षक पंखों के लिए जाने जाते हैं। इनके शरीर का ज्यादातर भाग चमकीले लाल रंग का होता है और पिछला भाग नीले रंग का होता है। कुल मिलाकर ये काफी रंगीन होते हैं। ये काफी टैलेंटेड भी होते हैं। अगर इन्हें ट्रेन किया जाए तो ये अलग अलग गुण सीखने में काफी तेज होते हैं। ये ना सिर्फ शब्दों को पहचान सकते हैं, बल्कि अलग अलग आकृतियों और रंगों को भी पहचान सकते हैं। इनकी उम्र लगभग 40 से 50 साल तक होती है। टुराको, ये टुराको पक्षी अफ्रीका में पाया जाता है। ये मनमोहक पक्षी इंद्रधनुष की तरह रंगीन होता है। इनकी उड़ान बहुत कमजोर होती है। ये ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकते, पर ये बहुत अच्छे पर्वतारोही होते हैं, जो शाखाओं और पेड़ों पर बड़ी फुर्ती से चढ़ जाते हैं। ये ज्यादातर समय फल की तलाश में लगाते हैं। इन्हें केला, अंगूर और पपीता बहुत पसंद है। वुड डक, इसे कैरोलिना डक भी कहते हैं। ये दुनिया में सबसे रंगीन जल पक्षी है। नर वुड डक ज्यादा रंगीन और सुंदर होते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट अमेरिका, यूएसए और मेक्सिको में पाए जाते हैं। ये जंगली दलदल और तालाबों के आसपास निवास करते हैं। दूसरे जल पक्षियों के विपरीत ये पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं और झुंड में रहते हैं। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा पक्षी सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।